अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दानिश हमीद और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक मिनी ट्रैक्टर मशीन के बारे में जो कि आपके सामने मौजूद है। इसका हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। इसके मशीन के फाले आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये फालों की बात करें तो ये गोडी वाले फाले हैं, रूटावेटर फाले भी इनको बोलते हैं, जो कि टायरों की जगह पर लगाए जाते हैं। मशीन के इंजन की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं मशीन के इंजन के हार्स पावर के बारे में। ये आप देख सकते हैं मशीन के इंजन की हार्स पावर जो है 13 हार्स पावर है और वीमा कंपनी की ये मशीन है। जैसे कि जगह जगह पे लिखा हुआ है वीमा कंपनी की, ये यूरोपियन सर्टिफाइड मशीन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये इसकी, ये बॉडी के ऊपर लिखा हुआ है ये वीमा कंपनी की है। इसका लोगो ट्रेडमार्क इसका लगा हुआ है। तो ये यूरोपियन सर्टिफाइड मशीन है, बेहतरीन क्वालिटी की है। और इसकी ये सेल्फ स्टार्ट है, ये इसका सेल्फ लगा हुआ है साथ, ठीक है। और ये साथ इसकी बैटरी भी लगी हुई है, किक स्टार्ट भी है और ये किक, ये वाली किक भी लगी हुई है साथ खींचने के लिए, और सेल्फ स्टार्ट भी है। और ये रबड़ के टायर आप देख सकते हैं, रबड़ के टायर, ठीक है, रबड़ के टायर भी फोकस करके आप देख रहे हैं। और ये ट्यूबलेस टायर हैं और उसके साथ ये लोहे के टायर भी मौजूद हैं। लोहे के टायर ऑप्शनल चीज़ है, लेना चाहें या ना लेना चाहें ये भी। और ये पीछे वाला हल जो है चलाने के लिए, पहाड़ी इलाका जात के लिए जहाँ पर अभी भी लोग बैलों से काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है ये, क्योंकि ये 3 हल चलाने के लिए। फिर इसके साथ अगर जो कोई बंदा ये वाले हल परचेज़ करता है तो उसको ये लोहे के टायर भी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लोहे के टायर की ज़मीन के साथ पकड़ ज़्यादा होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी, ये पीटीओ शाफ्ट दी हुई है ये वाली, यहाँ से आप ये 4 नट खोल के कोई भी चीज़, एक्स्ट्रा चीज़ जैसे कि वाटर पम्प, स्प्रे पम्प, इसके साथ मिनी अलग से रूटावेटर और स्मॉल चीज जो डिचर होता है वो इसके साथ, रैपर वगैरह इसके साथ आप अटैच कर सकते हैं। बाकी पूरी मशीन की बात करते हैं, ये देखें ये हैंडल है, ये इस तरफ से व्यू देख सकते हैं। ये आप ये ऑन ऑफ स्विच है, इसको नीचे करेंगे तो क्लिक लगाएंगे। इसका क्लच है ये वाला, ये क्लच लीवर है, ये सेल्फ स्टार्ट करने के लिए ये की दी गई है। ये इसका रेस लीवर है और ये इसका बैक गियर है, ये जैसे देखें ये बैक गियर है इसका, ठीक है जी दोस्तों। तो ये हैंडल को ऊपर नीचे करने के लिए ये लीवर दिया हुआ है, कि कुछ बंदे का कद ज़्यादा ऊपर नीचे इसको करने कर सकता है। और ये इसका फॉरवर्ड गियर है, इसको ये लगे, ये देख सकते हैं आप, 1 0 2, 1 पे स्पीड स्लो होगी, 2 पर ज़्यादा होगी। और ये लो हाई भी दिया हुआ है इसमें, तो ये देख सकते हैं ये इस तरफ हाई लगेगा, पीछे की तरफ करेंगे तो ये लो गियर लगेगा, ये आप देख सकते हैं। तो बेहतरीन मशीन है, मैं आपको अलग अलग तीनों चारों चीज़ों की प्राइसेस मेंशन कर दूंगा, मशीन की अलग प्राइस मेंशन कर दूंगा, लोहे के टायरों की, और ये पीछे जो है हल, ये 3 वाली हल जो है इसकी अलग प्राइस डिस्क्रिप्शन में मैनेज आपको बता दूंगा। तो वीडियो दिन दोस्तों को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।